नंदिनी जरा इसे ठीक कर दो ना। शिवानी मैं ठीक। शिवानी है ना? तेजा मैं अभी आ रही हूँ। शिवानी मैं अभी आती हूँ। राज यहाँ क्यों आए? बिना बताए ऊपर चले आए तुम। ऊपर आने से पहले सोचा था कि पूछ कर करूंगा। ऊपर आने से पहले क्या करूंगा? नहीं नहीं मतलब किस? हाँ ये सब शादी के बाद। शादी के बाद तो बहुत सारे किस मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। लेकिन अभी नहीं शिवानी, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। देखो अगर तुम मुझे प्यार से किस दे दो तब तो मैं तुम्हारे सामने चुपचाप बैठा रहूंगा, वरना अगर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी तो मुझे दोष मत देना। देखो ऐसे चैलेंज मत करो प्लीज, मुझे डर लग रहा है। मैं ऐसा बोलूंगी तो तुम छोड़ दोगे? नेवर, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। चैलेंज चैलेंज। गुड लक। एक्सक्यूज मी, थैंक्स। अगर ये शास्त्री किसी की जन्म कुंडली बनाता है तो वो सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं अगले 7 जन्मों के लिए विवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। शास्त्री जी आप बैठ जाइए। ठीक है बैठ जाता हूँ। जोड़ी बहुत ही अच्छी है, दोनों की जिंदगी अच्छी गुजरने वाली है। शास्त्री जी इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाना है और ये मेरा बेटा है। ए सुनो, अभी जो तुम लोग कर रहे हो वो शादी से पहले नहीं करते। हाँ ये गलत होता है, पाप लगता है, इसलिए शादी से पहले जी, ये नहीं करते। आपको मेरी हेल्प करनी होगी। क्या है बोलिए? इसका क्या मतलब होता है? किस? मुझे किस करना है? मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? आपको नहीं, शिवानी को। शिवानी? नहीं नहीं शादी से पहले नहीं, घोर अपराध है। अगर ये करेगा तो गलत है, अगर 3-4 करेगा तो वो गलत नहीं महादेव। हाँ तो क्या फिर तुम 3 किस लोगे? हाँ महादेव। हाँ तो क्या फिर वो हाँ बोली? नहीं बोली, इसी बात का तो टेंशन है। उससे मैंने चैलेंज किया कि मैं करके दिखाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे दिखाओगे। मैं लेके दिखाऊंगा। हाँ 3 किस एक साथ कैसे लोगे? नमस्ते पुजारी जी। कौन कौन है? पहले किस? ये किसकी आवाज थी? पुजारी जी पीठ पर एक हो गया। हो गया? ये बहुत चालू है, इससे संभल के रहना पड़ेगा। बेटा मैं तुम्हें सीट दूंगा, तुम यहाँ बैठो। हाँ आओ आओ, मैं तुम्हें सीट दूंगा, यहाँ बैठो। हाँ तुम कहाँ बैठोगे? तुम यहाँ बैठो। हाँ बैठो बैठो। ठीक है पुजारी जी। कैच। ओम भूर भुआ स्वः तत् सवितुर वरेण्यम। ये क्या, ये बीमारी मुझे भी लग गई? ए भगवान, तुम जिस भगवान को मानते हो उस परमात्मा का स्मरण करो। वो आत्मा हो चाहे परमात्मा, मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ है। चलो शिवानी माँ के पैर छूते। अरे रुको रुको, दोनों करीब मत आओ। अरे अरे क्या कर रहे हो? मेरी बात को मानो। अरे ये कैसा पंडित है, वो अपनी माँ के पैर छूना चाह रहे हैं और ये मना कर रहे हैं। भगवान तुम लोग क्यों जिद कर रहे हो? उठो बेटी, जाओ जाकर पैर छुओ। मम्मी मम्मी उधर देखो। दूसरी किस? ये तो बहुत ही चालाक लड़का है, ये 2 से रुकने वाला नहीं है। यहाँ दोस्त लोग बहुत आ गए हैं, यहाँ जगह कम पड़ेगी, आप लोगों के लिए जगह नहीं है। बेटी तुम इधर आओ। अरे तुम वहाँ जाकर बैठो, तुम जाओ। अरे ये पागल है, मैं मानने वाला। अब देखता हूँ तुम कैसे किस लेते हो। किस तो मैं लेकर ही रहूंगा, आप रोक नहीं पाओगे। मैं तो यहाँ से हटने वाला हूँ, और अगर फाइनल टच देना है लिप टू लिप किस करूंगा। लिप टू लिप करोगे? देखता हूँ तुम कैसे किस करते हो। मुझे कोई ऐरा गहरा शास्त्री समझ रखा है क्या? मेरी नजरों से कोई बच नहीं सका है आज तक, तो फिर तुम क्या चीज हो? हाँ क्या है बेटी? अरे
अयो मर गया। अब तो हो गया ना महादेव, दोबारा मुझसे मत उलझना। नहीं उलझूंगा बेटा। कल्पना को किसने गोद ले लिया है? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। देखो कल्पना, तुम जाओगी तो तुम्हें बहुत बड़ा घर मिलेगा, तुम्हें कार मिलेगी जिससे तुम घूम सकोगी, बहुत सारे मिकी माउस मिलेंगे खेलने के लिए, और जब चाहो डिज्नीलैंड जा सकोगी। प्लीज नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। ए, तुम्हें जाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं कभी नहीं आऊंगी, और आज के बाद तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगी मैं। तेजा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे डैडी उनको छोड़कर चले गए हैं। फोटो कैसा अच्छा है ना? तेजा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे डैडी उनको छोड़कर चले गए हैं। मम्मी सुनो ना, डैडी कब आएंगे? वो जरूर आएंगे बेटा। मैं जब भी पूछता हूँ तो कहती हूँ आएंगे, कब आएंगे? तेजा, मम्मी डैडी कैसे दिखते थे? तेजा, अब तुम जाओ यहाँ से। उनकी कोई फोटो भी नहीं है, मुझे दिखाओ ना। तेजा, तेजा। अरे तेजा, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? मम्मी ने मारा, मैंने मम्मी से डैडी की फोटो मांगी तो उन्होंने मुझे मारा। तेजा, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, तुम अच्छी हो। तुम्हारे पापा अलग रह रहे हैं तो उनके बारे में याद करके क्यों अपनी मम्मी का दिल दुखा रहे हो? नहीं, मेरे डैडी भी बहुत अच्छे हैं, मैंने मम्मी से 2-3 बार सुना था। अगर तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे हैं तो वो तुम्हारे पास जरूर आएंगे। क्या जरूर आएंगे? हाँ जरूर आएंगे। तो फिर उन्हें जल्दी आने को कहो ना, मुझे उनकी याद आती है, मेरे फ्रेंड्स पूछते डैडी कहाँ है। अरे हम लोग क्यों उनकी बात सुन रहे हैं, रोना बंद करो, चलो चल कर कहीं घूम कर आते हैं। बाय। तेजा, देखो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर आया। ये क्या कर दिया तूने? सॉरी, मैं थोड़ा ऐसे सॉरी बोलेगा तो क्या मैं चुप रहूंगा? तू क्या समझता मेरे को बेवकूफ समझता है क्या? और गाली दीजिए, और गाली दीजिए। अरे ये तो पागल आदमी लगता है, कैसा इंसान है? और गाली देना। पागल हो गया क्या? कोई अच्छी गाली नहीं आती क्या? पता नहीं कैसा आदमी है, मैं तो बोल बोल कर थक गया, लगता है ये किसी गैंग का आदमी है। भागो भागो भागो। क्यों, मजा आया? अंकल अर्जेंट। अच्छा अर्जेंट। बाय बाय। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। देखिए इसको जरा अर्जेंट है। बोर्ड नहीं देखा, ये लेडीज पार्लर है, जेंट्स के लिए कोई एंट्री नहीं। अरे इसके लिए क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, ये तो हाफ टिकट है ना। अंकल मैं हाफ टिकट नहीं, फुल टिकट हूँ। अंकल अर्जेंट। गो प्लीज, गो गो गो। यस ओके, कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी, आपके लिए फोन आया शायद। या फोन बज रहा है। यस, अभी इसने अंदर नहीं जाने दिया ना, अभी देख इसको बताता हूँ। चल खोल, इधर ही कर डाल, इधर ही कर। अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है, पहले आप स्टार्ट कीजिए। क्या मैं? अंकल प्लीज अर्जेंट। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हम तीनों एक साथ शुरू करते हैं। ओके 1 2 3। हेलो एवलास, व्हाट यू वांट प्लीज? हेलो सवरम है क्या प्लीज? शवरंग? कौन शवरंग? सवरम तुम्हें नहीं मालूम तो फिर तुम लंदन से यहाँ क्यों आए? चलो वापस चले जाओ कोंडे। व्हाट, क्या बोला?
हाँ कोंडे, अभी तो मिले थे ना आपके पार्लर के बाहर, एक लंबा वाला और एक छोटा वाला। क्या क्या यू कम ऑन गर्ल्स, पकड़ो इसे, पकड़ो। चलो